वैष्णो माता बोल सांचे दरबार की जय। सोने मन में जल तो माता वैष्णो देवी परिक्रमा यात्रा जो है वो शुरू हो रही है। पांचवी यात्रा है, इससे पहले जो वार्षिक यात्रा है वो दो बार गई है और ये यात्रा जो है संक्रांति के मौके पर शुरू की गई है, ये भी दूसरी बार जा रही है और उससे सबसे पहले एक यात्रा गई थी। कुल मिलाकर पांचवी यात्रा माता वैष्णो देवी परिक्रमा की जा रही है और कुछ देर के बाद ये यात्री जो हैं, इनमें से कुछ यात्री हैं जो माता वैष्णो देवी की परिक्रमा यात्रा में जा रहे हैं और कुछ लोग जो है वो इस यात्रा को रवाना करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। गणेश मंदिर रियासी के ठीक बाहर ये भक्त जो है इस समय मौजूद हैं और भजन कीर्तन कर रहे हैं, जयघोष लगा रहे हैं। तो माता वैष्णो देवी की परिक्रमा यात्रा जो है वो कुछ देर के बाद रियासी के गणेश मंदिर से रवाना होगी और आपको बता दें कि बमान तहसील से होते हुए अलग अलग पहाड़ों से गुजरते हुए माता वैष्णो देवी की परिक्रमा ये भक्तजन जो है वो लगाएंगे और फिर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से होते हुए पैदल से होते हुए कटरा से होते हुए वापिस रियासी ये यात्रा पहुंचेगी। कुल मिलाकर अगर बात करें तो पांचवी यात्रा है, वार्षिक यात्रा जो है वो दो बार गई है और इस बार भी रामलीला के बाद जाएगी, नवरात्रों के बाद जाएगी और ये संक्रांति के मौके पर हर महीने जो यात्रा शुरू की गई है दूसरी ये यात्रा है। इससे पहले भी एक बार यात्रा गई है तो आइए कुछ भक्तों से बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं। जय माता जी। तो ये यात्रा जो है आज पांचवा जत्था जो यहाँ से जा रहा है, सबसे पहले एक जत्था पहले गया था और उसके बाद राम दुर्गा नाटक मंडली की तरफ से हर साल एक यात्रा यहाँ से निकलती थी जो कि वैष्णो देवा परिक्रमा यात्रा करके वापस आती थी। तो दो वो हो गए और उसके बाद पिछली संक्रांति को भी ये यात्रा यहाँ से निकली है और इस दफा फिर ये यात्रा जो है यहाँ से जा रही है। ये वैष्णो देवी की परिक्रमा यात्रा है और वहां पर सुगाल गली में एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है वहां पर, और वहां पर ये यात्रा वहां पर विश्राम करेगी और उसके बाद शाम को ये यात्रा जो है परिक्रमा पूरी करके रियासी में वापस आएगी। जी जी, चलिए शुक्रिया टाकन दास जी। आप बताएं, आप इस यात्रा का हिस्सा है और सबसे पहले आप ही यात्रा के साथ गए थे, थोड़ा अपना अनुभव बताएं और क्या हर संक्रांत को इस तरह से यात्रा शुरू की गई है? अभी कुछ लड़के ये वकील सिंह जी हैं डंगा कोट के, ये श्राइन कोर्ट में नौकरी भी करते हैं, इन्होंने कुछ विचार करके और कुछ बाकी वहाँ के लोग और यहाँ के बैठे थे तो विचार किया कि हर साल हर महीने ये वैष्णो की परिक्रमा किया है तो ये परिक्रमा संक्रांति की योजना है। तो पिछले संक्रांति में गए थे, इस भी जाने वाले हैं, आगे वाली संक्रांति भी 14 तारीख को आ रही है उसमें भी, और उससे आगे भी 16 अगस्त को आएगी। तो लोगों से आग्रह है कि ये वैष्णो देवी की परिक्रमा करें, प्रायः हर मंदिरों में परिक्रमा की जाती है और बड़े बड़े तीर्थ जो है उन तीर्थ स्थानों की परिक्रमा होती है, पर वैष्णो देवी की परिक्रमा का एक चलन नहीं था, यह एक चालू किया जाए ताकि सारे लोगों को ध्यान में आए कि परिक्रमा भी हो सकती है पहाड़ों की, त्रिपुरा पर्वत की, तो वो यात्रा परिक्रमा यात्रा एक चल रही है। जी, आप भी बताएं, थोड़ा जानकारी दें, आप भी दूसरी बार अपनी सब में परिक्रमा यात्रा का संक्रांत के मौके सनातन परंपराओं के संवाहक माता रानी के भक्त इस यात्रा को 2022 से शुरू होके अब पांचवी बार करने जा रहे हैं और जो मासिक यात्रा अभी इसमें जो नया मोड़ आया है हर महीने में होगी विक्रमी संवत के हिसाब से, जो हमारा संक्रांति का दिन होता है उसकी ये दूसरी यात्रा है। तो ये सारे जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, बुजुर्ग हमारे जो इन धार्मिक कामों से जुड़े रहे हैं, सोशल कामों से, श्री सर्वेश पंडितराज जी, श्री टाकन दास जी और कटरा के ट्रैवल एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन के जितने लोग थे, मिलकर ये एक आइडिया बना के इस सनातन परंपरा को आगे ले जाने के लिए, सामाजिक भाईचारे को कायम करने के लिए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसको और गति देने के लिए इस रियासी जिला और जिला उधमपुर को जो सारा एरिया है इसे कवर किया जाएगा इस यात्रा के माध्यम से, और माता रानी के जो भक्त कटरा में आते हैं उनको डाइवर्ट करके बमाग से होते हुए एक परिक्रमा का जो कंसेप्ट था वो एक बहुत सबके लिए एक लाभदायक चीज़ थी। तो इस आइडिया से आप जो दूसरा आज
जो है जत्था रियासी से निकलेगा और हर महीने में जो निकलेगा बीच में और भी लोगों से अपील रहेगी कि कोई भी टाइम देख के अलग अलग ग्रुपों में लोग जहाँ से जो शुरू करेंगे ताकि हम इसको मासिक से 15 दिन और फिर हफ्ता और फिर डेली बेसिस पे जो यात्रा है चलेगी, हमारा लास्ट टारगेट वो रहेगा। कौन कौन सा इलाका बीच में आता है? बीच में कटरा से शुरू होकर रियासी तक का तो सबको जानते हैं और बीच में जो स्थल आते हैं नौदेवियाँ हैं, बाबा जीतो जी अगार है, फिर बीच में जी सोला पार्क है, रियासी का भीमगढ़ फोर्ट है, शिव मंदिर है महादेव का, काली माता मंदिर रियासी का है और उसके आगे चल के फिर हमारा डंगा कोट में मंदिर आएगा, उसके बाद चराला कोट, डंगा कोट, टोट, सुखाल घाटी, देवीगढ़, जंगल गली, मुत्तल और वहाँ कटरा से होते हुए फिर जी हमारा राउंड जो है कम्प्लीट होगा। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जंगल गली में आप वापिस सड़क पर पहुंचेंगे, आप जंगल गली में पहुंचेंगे? हम जहाँ से जो चढ़ाई हमारी खत्म होगी, जो पहाड़ी का टॉप शिखर होगा सुखाल गली के नाम से जो जाना जाता है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला होता है काली माता के नाम से ही, वहाँ जाके हमारी रियासी जिला की जो है वो बाउंड्री खत्म होगी और उसी के बाद उधमपुर शुरू होगा। तो कुल मिला के ये है कि वहाँ से जाके पंथल तक तो हमारा उधमपुर का एरिया ही उसमें होगा। ये सारे लोगों को इससे फायदा होगा और एक जो एक आध्यात्मिक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, वो सबके सबको एक उसमें प्रेरणा मिलेगी, आध्यात्मिक उन्नति तो होगी ही होगी, लेकिन उससे यात्रा चलने से सब लोगों को और भी काफी फायदे होंगे और एक भाईचारा जो है वो कायम होगा, जी हमारा मकसद रहेगा। कितने भक्तजन निकल रहे हैं और क्या उम्मीद करते हैं आने वाले समय में, बढ़ेगी ये यात्रा? बिल्कुल उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है, विश्वास है माता रानी पे और उस परम पिता परमेश्वर पे, उस अल्लाह ताला पे, उस रब भाई गुरु पे, सब पे, कि क्योंकि इंसानों का भला वो है वही करने वाला है, एक सोच है कि समर्पित भाव से ये काम करें। तो यहाँ से जो हमारी शुरुआत है, अगर 20 लोग भी यहाँ से निकलते हैं तो हर गांव में जाके लोग जुड़ेंगे और वहाँ जाते जे सुखाल गली में आए तो जे हजारों में ऊपर जाएगी यात्रा, लेकिन सैकड़ों में तो जो हमेशा जाती रहेगी और फिर डेली जब चलेगी तो अब हम चाहते हैं 2-4-10% भी अगर माता रानी की जो यात्रा है वो थोड़ी सी अगर डाइवर्ट होके इस कंसेप्ट को, जैसे अभी आप बात की श्री टाकन दास जी और सुदेश सर ने, कि किसी भी मंदिर की समर्पित भाव से जब हम दर्शन करते हैं तो वो दर्शन तभी सफल माने जाते हैं जब उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। तो इसलिए जो आइडिया जैसे गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा है उस कंसेप्ट पे जैसे जो लागू हो जाएगी तो यात्रा तो बढ़ेगी, यहाँ पे काफी लाखों में लोग जाएंगे ऐसा हमारी उम्मीद है। और ऐसे मौके पे हम ये गुजारिश करना चाहेंगे आपके माध्यम से ही कि गवर्नर साहब और ये जो श्राइन बोर्ड की एडमिनिस्ट्रेशन है, हम तो महीने में एक बार करेंगे, उसके बाद लोग डेली भी चलेंगे, लेकिन महीने में एक बार ऑफिशियली, वो भी मुझे लगता है कि जैसे मचेल माता में जब छड़ी पहुंचती है तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी है, श्राइन बोर्ड, श्री मचेल माता का जो श्राइन बोर्ड है, वो क्या करते हैं कि हेलीकॉप्टर पे प्रदक्षिणा करते हैं और फ्लावर शावरिंग होती है पूरे मचेल के अंदर। तो हम चाहेंगे अगर ऐसा ऑफिशियली एक बार श्राइन बोर्ड भी इसको करे, और एक हेलीकॉप्टर तो उनका चल ही रहा है, जैसे उन्होंने नई सर्विस अभी जम्मू से शुरू की है, तो वही सर्विस निकल के महीने में एक बार ऑफिशियली अनाउंस करके अगर इस पूरे इलाके से रियासी से होते हुए एक हेलीकॉप्टर निकले और वो प्रदक्षिणा करता हुआ, फ्लावर शावरिंग करता हुआ अगर आए तो पूरे इलाके को अच्छा लगेगा और पूरे देवी देवता उससे खुश होंगे और श्राइन बोर्ड का जितनी जहीं कमियां त्रुटियां कहीं रहती होंगी एडमिनिस्ट्रेशन में, वो भी उसी से पूरी होंगी, ऐसा माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा। अभी जो भी भक्त जाना चाहते हैं, कुछ सुविधाएं वहां पे मुहैया है स्थानीय लोगों की तरफ से है, खाने पीने की व्यवस्था किस तरह से हो सकती है? जैसे भी हम अपील ये करेंगे माता रानी के भक्तों से, जिनको भी जाना है, तो हमारे वकील सिंह जी जो इस यात्रा को अभी ऑर्गेनाइज करके हम इनके जिम्मेदारी सौंपी हुई है, और श्री टाकन दास जी, श्री सुदेश जी, ये सारे लोग हम साथ में हैं, रोमेल सिंह जी हैं, अरुण जी हैं और मदन जी हैं, श्री जगदीश जी बुजुर्ग हैं हमारे, श्री जयश जी हैं, जितने भी लोग हैं और खास करके इस यात्रा में और भी एक तो पंडित जी साथ में हैं हमारे, जोगिंदर शर्मा जी, और अभी जो एक नया भजन निकला है डोल बाबा जी के नाम से, तो वो भजन के जो जिन्होंने गाया है सोनू सूफी जी हमारे साथ में इस यात्रा में है, तो इन सब लोगों से संपर्क करते रहेंगे जो लोग के हमने जाना है, तो उनकी जो व्यवस्था अभी जो पॉसिबल है, जैसे डंगा कोट में क्या करना है, देवीगढ़ में क्या करना है, सुगाल घाटी में क्या करना है, उस पड़ाव का जितना हमें तजर्बा है, और हर महीने हमारा जाने का मकसद भी यही है कि जहां जहां जो दिक्कतें आती हैं यात्रियों को, उनके लिए जो पॉसिबल व्यवस्था है वो वहां पे स्थानीय लोग जो है वो करेंगे और करवाते रहेंगे, उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है अभी तक। चलिए दरबार की जय, बोल सांचे दरबार की जय, जय माता दी, जय माता दी।